इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जो चाइनीज ओलंपियाड में आया था। क्वेश्चन है, 9 to the x power minus 6 to the x power इज इक्वल टू 4 to the x power। हमें x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको देखते ही ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका सूझ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें एक आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, 9 to the x minus 4 to the x इज इक्वल टू 6 to the x। इसका एडवांटेज आपको मिलेगा अभी। दिस इम्प्लाइज 9 to the x को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड, यहाँ पर x है इसका पावर, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड, और इसका एक्सपोनेंट है x इज इक्वल टू 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और पूरे का एक्सपोनेंट है x। दिस इम्प्लाइज 3 to the x होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 का एक्सपोनेंट है 2x और यहाँ पर भी 2x ही है। माइनस 2 to the x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 2 to the x मल्टीप्लाइड बाई 3 to the x। अब हम बोथ साइड 2 to the x into 3 to the x से डिवाइड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 3 to the x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the x into 3 to the x माइनस 2 to the x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the x into 3 to the x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 3 to the x से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा ऊपर से, यहाँ भी 2 to the x से ये स्क्वायर ऊपर तो एक कैंसिल हो जाएगा। दोबारा इसको आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 to the x डिवाइडेड बाई 2 to the x माइनस 2 to the x डिवाइडेड बाई 3 to the x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 3 बाई 2 to the x माइनस, इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 बाई 3 बाई 2 to the x इज इक्वल टू 1। इससे फायदा क्या मिला है, हमें सेम टर्म में आ गया है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट y इज इक्वल टू 3 बाई 2 to the x power। इसके बाद हम इसको y के टर्म में लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y² माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y² माइनस 1 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आएगा y इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b+-√b² - 4ac / 2a, विच इक्वल्स, यहाँ पर b है -1 तो -1 यानी +1 हो जाएगा, +-√b² यानी 1 माइनस 4 टाइम्स a पॉजिटिव है 1 टाइम्स c -1 डिवाइडेड बाई 2, विच इक्वल्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मैंने y को डिफाइन किया था 3 बाई 2 to the x power, यानी y एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आपको पता है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। यहाँ पर हमें जो y की वैल्यू मिल रही है, इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हम निगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करेंगे क्योंकि y की हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2।
दिस इन प्लेस, वाई की वैल्यू है 3/2 टू द एक्स इज इक्वल टू 1 + √5/2। यदि इसको आप लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसको लिखेंगे कैसे, लॉग यहाँ पर बेस आएगा इज इक्वल टू क्वांटिटी यानी एक्स, तो बेस का एक्सपोनेंट एक्स कर देते हैं यानी 3/2 टू द एक्स इज इक्वल टू 1 + √5/2। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है लॉग बेस 3/2 ऑफ 1 + √5/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।